यूरिन करने में दर्द, जलन, यूरिन की फ्लो कम होना, बार बार वॉशरूम जाने का मन करना, कई बार तो हालत ज़्यादा ख़राब होने पर बुखार, शरीर में दर्द और सेक्स के वक्त इरेक्शन और इजैक्यूलेशन में दर्द जैसी दिक्कत भी हो सकती है। तो अब आप ही बताओ, क्या ये दिक्कतें झेलने लायक है? लेकिन ये सूजन आती कहाँ से है? नमस्कार, आज हम प्रोस्टेट और उससे संबंधित बीमारियों की चर्चा करेंगे। प्रोस्टेट यानी जिसको हिंदी में हम गदूद भी कहते हैं, ये पुरुषों में पाया जाता है और आमतौर पर कुछ उम्र के बाद, 50 साल के बाद प्रोस्टेट के बढ़ने की समस्याएं होती हैं। तो प्रोस्टेट की बीमारी को हम मुख्यतः तीन तरह से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस, यानी प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन का हो जाना। दूसरा होता है जिसमें प्रोस्टेट बढ़ जाता है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, दिस इज कॉल्ड BPH और बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। और तीसरी बीमारी होती है जिसको हम प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। सेक्स के वक्त इरेक्शन की प्रॉब्लम हो, नाइटफॉल की कंडीशन से परेशान हो, या फिर यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, कोई आदमी अगर ये कहे उसका लाइफ में इनमें से किसी भी कंडीशन से कभी भी पाला नहीं पड़ा, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो, ना तो हमारी लाइफस्टाइल मेंटेन हो पाती है, ना ही हम इन छोटी मोटी दिक्कतों को नोटिस करते हैं। सेक्स एजुकेशन की कमी भी इसका एक बड़ा कारण है। ये सारी कंडीशन हर उम्र के मेल के लिए बड़ी कॉमन बनती जा रही है। हालांकि इनके अलग अलग कारण हो सकते हैं, और इन कारणों में एक तो प्रोस्टेटाइटिस है, जो आजकल युवाओं में भी देखा जा रहा है। ईडी, नाइटफॉल या यूरिन करने की दिक्कत को लेकर कई बार पेशेंट डॉक्टर के पास जाता तो है, उसके बाद पता चलता है कि वो प्रोस्टेटाइटिस से जूझ रहा है। देखिए, प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन जमा होता है, उसके मुंह पर पाया जाता है। ब्लैडर से एक पाइप निकलती है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, वो इसी सेक्शन से होकर पेनिस से जुड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोस्टेट कितने सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है। ब्लैडर, यूरेथ्रा, पेनिस, इस अखरोट जैसे दिखने वाले ऑर्गन का काम बहुत ही जरूरी होता है। ये आपकी फर्टिलिटी को प्रभावित करता है, ये सीमेन फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जो स्पर्म में मोबिलिटी को मेंटेन रखता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन उसकी मदद करता है। खास बात इसकी बनावट, इसमें बहुत सारे यूरिन गुफा होते हैं जहाँ से यूरिन यूरेथ्रा में पहुँचती है। तो जब इसमें इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर को इसे ट्रैक करके ट्रीट करने में मशक्कत करनी पड़ती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, इसका काम क्या होता है, वो तो जान लिया। सूजन इसमें कैसे आती है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन क्या आपको पता है, हर किसी में प्रोस्टेट ग्लैंड एक वक्त के बाद बड़ा भी होता है। तो क्या प्रोस्टेट का बढ़ना प्रोस्टेटाइटिस का कारण हो सकता है? चलिए डॉक्टर से जानते हैं। ओल्ड एज में जैसे आप देखते होंगे कि लोगों को रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, ये चीजें जो हैं वो आपको ये बताती हैं कि शायद आपका प्रोस्टेट बढ़ रहा है। और अगर इस तरह के सिम्टम्स हों तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, जिसमें कुछ टेस्ट होते हैं लाइक अल्ट्रासाउंड KUB एंड ब्लड टेस्ट जो PSA के बाद मैंने कही, और पेशाब के धार की नाप भी होती है। तो उन टेस्ट से आप ये बता सकते हैं कि आपको प्रोस्टेट की समस्या है या नहीं, और अगर है तो उसकी सीवियरिटी क्या है और उसके लिए हमें ट्रीटमेंट कौन सा देना ज़्यादा सही रहेगा। प्रोस्टेट के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि ये एज के साथ तो ये होगा ही, जैसे बार बार पेशाब जाना या अर्जेंसी होना, पेशाब को रोक नहीं पा रहे। इस तरह के सिम्टम्स अगर होते हैं तो इसको हल्के ढंग से ना लें और आप प्रोस्टेट की जांच करें और देखें कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम, प्रोस्टेट बढ़ने की प्रॉब्लम है या नहीं है। प्रोस्टेट का बढ़ना आमतौर पे हार्मोन से रेगुलेट होता है, और जैसे जैसे मेंस की एज बढ़ती है, एज के बढ़ते ही आपके शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं। एस्ट्रोजेन एंड टेस्टोस्टेरोन, इन दोनों के बैलेंस में कुछ फर्क आता है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट के ग्लैंड का बढ़ना होता है। तो ये आपके खान पान से नहीं बढ़ता, इसके बढ़ने का रीजन हार्मोनल है। आप जानते हैं कितने टाइप के होते हैं प्रोस्टेटाइटिस? पहला एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, दूसरा क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, तीसरा क्रॉनिक पेल्विक सिंड्रोम और CPPS, और चौथा एसिम्प्टोमैटिक इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टेटाइटिस। इसमें सबसे कॉमन है क्रॉनिक पेल्विक सिंड्रोम और CPPS। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि हर 3 में से एक आदमी को ये दिक्कत होती है। इसे नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस भी कहते हैं। इसमें सिम्टम्स 6 महीने तक भी रुक रुक कर दिख सकते हैं।
इसके क्या कारण है अगर पूछे तो इसमें कोई खास कारण नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इसमें सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये नॉन बैक्टीरियल है तो साफ है कि कोई बैक्टीरिया तो नहीं, लेकिन हाँ इलाज अधूरा रहने पर या किसी दूसरी वजह से इन्फेक्शन रह जाता हो या फिर बार बार ये रुक रुक कर आता हो तो CPPS के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वही एसिम्प्टोमेटिक तो ऐसा है कि इसके लक्षण पता ही नहीं चलते। क्या पता आप अपना सीमेन एनालिसिस करवा रहे हो एक दिन और तब आपको पता चले कि आपको एसिम्प्टोमेटिक इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टेटाइटिस की भी दिक्कत है। खैर इसमें इतने इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। आप बात करें एक्यूट और क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस की तो दोनों के कारण सेम है, बैक्टीरिया। लेकिन जहाँ एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस अचानक होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है तो वही क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस ग्रेजुअली डेवलप होता है और लॉन्ग टाइम तक रहता है। अब कुछ ऐसे सवाल जो प्रोस्टेटाइटिस को लेकर आम लोगों के जहन में होते हैं। आमतौर पे क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस प्रोस्टेट कैंसर में डेवलप नहीं होता, यानी ये दोनों बीमारियां अलग अलग हैं। अगर किसी मरीज को क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस है तो ये क्रोनिक जरूर होता है, लेकिन ये जानलेवा नहीं होता और ये यूजली कैंसर में तब्दील नहीं होता। हमारे पास सिंपल टेस्ट होते हैं जो कि प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं, लाइक सीरम PSA, यानी एक ब्लड का टेस्ट होता है जिसको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं, और वो अगर रेंज से बाहर होता है तो हम प्रोस्टेट कैंसर का इन्वेस्टिगेशन फर्दर करते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होती। क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस आमतौर पर यंग पेशेंट्स में देखी जाती है, यानी कि 40-45 ईयर्स के एज के बीच देखी जाती है, जबकि BPH यानी प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया ओल्ड एज में 50 ईयर्स के बाद देखी जाती है। ये दोनों बीमारियां अलग हैं और इनके स्वरूप भी अलग होते हैं। प्रोस्टेट के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि ये एज के साथ तो ये होगा ही, जैसे बार बार पेशाब जाना या अर्जेंसी होना, पेशाब को रोक नहीं पा रहे। इस तरह के सिम्टम्स अगर होते हैं तो इसको हल्के ढंग से ना लें और आप प्रोस्टेट की जांच करें और देखें कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम, प्रोस्टेट बढ़ने की प्रॉब्लम है या नहीं है। ये क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस एक तरह की सूजन है प्रोस्टेट के अंदर, जो कि कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। उसके लिए हमें कुछ लो डोज एंटीबायोटिक्स और कुछ और भी सप्लीमेंट्स, दवाइयां होती हैं जो देनी होती हैं। इसका ट्रीटमेंट 3-6 मंथ तक दिया जा सकता है और आमतौर पर पेशेंट्स के सिम्टम्स 2-3 हफ्ते में काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। नॉर्मली प्रोस्टेटाइटिस के लिए कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन BPH यानी जो ओल्ड एज में 50 ईयर्स के बाद जो बीमारी होती है उसमें आपको प्रोस्टेट के अलग तरह की दवाइयां होती हैं जो प्रोस्टेट के साइज को कंट्रोल करती हैं, उसे छोटा करती हैं और फ्लो को बढ़ाने में मदद करती हैं। उन दवाइयों को हम लोग लगातार लेने की सलाह देते हैं, उसे बंद नहीं करना होता है और रेगुलर इंटरवल पे 3-6 मंथ्स वी कीप चेकिंग द टेस्ट सो दैट वी नो कि डिजीज आपकी प्रोग्रेस कर रही है या फिर वो सही रह रही है। तो ये दोनों ट्रीटमेंट आमतौर पर अगर काम कर रहे हैं तो हमें कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। वैसे पेशेंट्स में जिसमें प्रोस्टेट की दवाई लेने के बावजूद मरीजों को फायदा ना हो तो फिर प्रोस्टेट के ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है। अगर प्रोस्टेट की बीमारी को हम नजरअंदाज करें तो इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लाइक पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना या पेशाब में ब्लड का आना, या फिर कभी कभी ये बीमारी किडनी को ही प्रभावित कर सकती है और किडनी खराब भी हो सकते हैं। यानी कि अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो दिस कैन लीड टू अ सीरियस मैनिफेस्टेशन इन किडनीज, तो किडनी का फेल्योर होना या फिर क्रिएटिनिन का बढ़ जाना, इवन डायलिसिस की नौबत भी आ सकती है अगर आप इसको बहुत दिनों तक नजरअंदाज करें तो। तो ये प्रोस्टेटाइटिस का मतलब ये होता है कि प्रोस्टेट के अंदर कोई इन्फेक्शन का आ जाना। ये इन्फेक्शन यूरिन के रास्ते ही प्रोस्टेट तक एंटर करता है और यूजली ऐसे UTI या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो पूरी तरह से ट्रीट ना हो पाए हो वो प्रोस्टेटाइटिस कर सकते हैं। अब चलिए इसके सिम्टम्स भी जान लेते हैं। यूरिन करते वक्त या उससे पहले दर्द या फिर जलन, बार बार ब्लैडर फुल होना, पेट कमर दर्द, कभी कभी बुखार, ठंड लगना, यूरिन की फ्लो कम हो जाना, कभी कभी पेल्विक फ्लोर का दर्द, कमर और फिर आपके पैरों या पीठ तक जा सकता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इजैकुलेशन से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती है। कभी कभी यूरिन पास करते वक्त खून भी आ सकता है। ये सिम्टम्स कभी कभी जल्दी दिख सकते हैं तो कभी कभी देर से भी दिखते हैं, लेकिन इसका इलाज लंबा चलता है। इसमें एंटीबायोटिक ही काम करता है, बस डॉक्टर से सुझाव लेकर ही सब कुछ करना चाहिए। बाकी प्रोस्टेटाइटिस में हीट थेरेपी काम आती है।
डॉक्टर घर पर भी हॉट वाटर टब में बैठने को कहता है ताकि गुनगुने पानी की हीट अंदर ऑर्गन्स तक जाए। ये सूजन को कम करने में इफेक्टिव होता है, साथ ही हाइड्रेट रहने को कहा जाता है। लेकिन ज्यादा पानी पीना भी बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग सुबह उठकर एक बोतल पानी पी लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इससे और कुछ नहीं, ब्लैडर पर जोर पड़ेगा। बार बार आपको वॉशरूम जाना होगा। बाकी डाइट अच्छा ले, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला सैल्मन, लाइकोपीन से भरा हुआ टमाटर, क्रुसोफेरॉस सब्जियां जैसे ब्रोकली, फूलगोभी जिनमें सल्फोराफेन होता है, जिंक के लिए नट्स, साइट्रस वाले फल जैसे संतरा, अंगूर या फिर एंटीऑक्सीडेंट वाले फ्रूट जैसे बेरीज खाना फायदेमंद होता है। वह एक्सरसाइज और स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अब प्रोस्टेटाइटिस के कारण क्या होते हैं? कोई बैक्टीरिया, इन्फेक्शन या वायरस प्रोस्टेट में जाकर उसे इफेक्ट कर सकता है। यूरेथ्रा के रास्ते केमिकल रिएक्शन से भी कई बार सूजन आ सकती है। बहुत सारी दवाओं के रिएक्शन से भी हो सकता है। ब्लैडर इन्फेक्शन और स्टोन्स, यूटीआईज, प्रोस्टेट स्टोन्स की वजह से भी प्रोस्टेट में सूजन बढ़ सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है, तो स्ट्रेस भी इसका कारण बन सकता है। साथ ही ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि जब आपका ही इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी पर अटैक करने लगे। इसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खराब खानपान, यूरिनरी रिटेंशन यानी ब्लैडर को खाली नहीं कर पाना। आम भाषा में समझे तो कई बार आप यूरिन करने जाते हैं लेकिन पूरी तरह ब्लैडर ही खाली नहीं करते, जल्दी में आप रुक जाते हैं, या फिर सोने से पहले आपने बहुत सारा लिक्विड ले लिया हो और फिर रात भर आपका ब्लैडर प्रेशर झेले। पानी कम पीना भी गलत है क्योंकि इसके कारण यूरिन गाढ़ा हो जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करते, ये बैक्टीरिया यूरेथ्रा से ही जाता है। मास्टरबेट नहीं करते या सेक्स नहीं करते तो भी ऐसा हो सकता है। मास्टरबेट और सेक्स से प्रोस्टेट ग्लैंड खाली होता है, लेकिन जब लंबे समय तक ये खाली नहीं हो पाता तो इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है और एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है। प्रोस्टेटाइटिस एक सीरियस कंडीशन है जो इंसानी शरीर पर बुरा असर डालता है। युवाओं को भी होता है, बुजुर्गों को इससे ज्यादा खतरा हो सकता है। इस तरह की समस्या को रोकने के लिए बीमारी और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। लक्षण नजर आने पर नजरअंदाज करने की बजाय तुरंत डॉक्टर ढूंढना चाहिए। खास बात कि जब आप इलाज करवा रहे हो तो आपको लक्षणों के दूर होने पर भी दवाओं का पूरा कोर्स करना चाहिए ताकि ये जड़ से खत्म हो सके, क्योंकि ये बार बार इन्फेक्शन हो भी सकता है। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल आईडी n24such@gmail.com पर सेंड करें।